नमस्कार। आज हम इतिहास का तीसरा प्रकरण देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पहले प्रकरण के तौर पर हमने जानकारी देखी थी कैसे, कब, कहाँ इतिहास क्या है, उसके विभाग, उसके प्रकार। दूसरे प्रकरण में हमने देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेज इस देश में आ चुके और यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा राज्य उन्होंने हथियार लिए जीत लिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा राजकीय क्षेत्रों के ऊपर या राजकीय तौर पर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अधिकतर राज्य उन्होंने या तो जीत लिए या फिर हथियार लिए, जिस प्रकार से भी हो उन्होंने अपना राज्य विस्तार इस देश में किया था। इस प्रकरण के तौर पर हम ये जानकारी देखने वाले हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पर किस प्रकार से उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया था, प्रस्थापित किया था। हमने यह भी बात देखी थी कि कंपनी दीवान बन गई सन 1765, 12 अगस्त। तारीख काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह ने दीवान बना दिया था। जैसे कि हम जानते हैं कि 1707 के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुगल शासक कमजोर हो चुके थे। उससे पहले ये सभी जो दीवान थे या नवाब थे, इनका तबादला हो जाता था, एक जगह से दूसरी जगह उनका तबादला हो जाता था। उनको कुछ अधिकार मुगल बादशाह के द्वारा प्रदान किए जाते थे। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पे वर्चस्व स्थापित किया तो मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान तैनात कर दिया। अब जब यह घटना की हम बात करते हैं तो यह पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों के बीच में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, क्योंकि मुगल बादशाह से जो सनद आएगी कंपनी को दीवान बनाने की, एक अधिकार पत्र, तो वो अधिकार पत्र लेने के लिए बहुत कुछ बड़ा इंतजाम तो नहीं किया गया होगा। किंतु यहाँ पे जो चित्र दिया है उसमें इस प्रकार से दर्शाया गया है कि ये घटना काफी महत्वपूर्ण तरीके से हो चुकी थी। और दिखाए ना क्यों, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर से आकर यहाँ के भाग के ऊपर, जिसका कुल प्रदेश ब्रिटेन से भी ज्यादा है, उतने बड़े भाग के ऊपर अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज्य प्रस्थापित कर रही थी और इसके कारण इस घटना को उन्होंने काफी महत्व दे दिया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनवाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपने जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का कोई रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी तो आ गई लेकिन खर्चे भी ज्यादा बढ़ रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से हम देख चुके हैं कि इससे पहले जब भी अंग्रेज व्यापार करने के लिए यहाँ पे आ जाते थे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे एक चीज देना और एक चीज लेना, इस प्रकार से व्यापार होता है। व्यापार इसका मतलब लेन देन। अंग्रेज जब शुरुआत में यहाँ पे आ चुके थे तो उनको वस्तु खरीदने के बदले सोना एवं चांदी इंग्लैंड से लाना पड़ता था, लेकिन जैसे ही अब उनके पास दीवानी आ गई तो उनके लिए ये काफी आसान, काफी सरल रास्ता मिल चुका था, क्योंकि कंपनी का बढ़ता खर्च अब दीवानी के माध्यम से आमदनी जुटाई जा सकती थी। कंपनी के खर्चे वहां से पूरे किए जा सकते थे। व्यापारिक कंपनी के नाते यह भी ख्याल रखना था कि उसके अपनी जरूरत की चीजें खरीदते और बेची रहे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है बेसिकली व्यापारिक कंपनी है और राज्य रहे या न रहे, लेकिन मूल जो बिजनेस है वो तो करना पड़ेगा और इसके कारण उसकी तरफ ज्यादा देखना पड़ता था।
समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उससे यह लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे। यहां से जिन लोगों के पास से अंग्रेजों ने शासन छीना था वो भी असंतुष्ट थे, और इसके कारण और दूसरी बात उनके कई सारे समर्थक यहाँ पे निश्चित तौर पर थे। अब उनको पूरी तरह से न कुचला जा सकता था न खत्म कर दिया जा सकता था। उनके साथ रहकर उनके ऊपर नियंत्रण पाना काफी महत्वपूर्ण था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता से रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी अपने आप को खुद को एक व्यापारिक कंपनी मानती थी, हालांकि वो एक व्यापारिक कंपनी ही थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले चीजों का मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन में सोने और चांदी का आयात करती थी, इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। अब जो जो भी कंपनी के लिए आवश्यक चीजें थी, जैसे कि कपड़ा था, जैसे कि रेशम था, उन सभी चीजों के लिए शुरुआत में तो उनको सोना और चांदी देना पड़ता था, लेकिन अब जैसे राजस्व वसूली का अधिकार उनको मिल गया तो जो भी राजस्व इकट्ठा हो जाता था उसके बदौलत उस बदले में अब कंपनी यहां से कपड़ा और रेशम खरीद सकती थी। और इसका परिणाम यह हो गया कि इन 5 सालों के भीतर ब्रिटेन से जो उनके द्वारा जो खरीदी जाने वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमत ज्यादा बढ़ गई। जल्दी ही जाहिर होगा कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक संकट में फंसी जा रही है, और इसका निश्चित तौर पर यह परिणाम होना ही था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संकट में आ गई, क्योंकि जो सरकार के तरफ से जो टैक्स लिया जाता था अब वो जनता के ऊपर खर्च न करते हुए अब वो कंपनी अपने आप के ऊपर खर्च कर रही थी, और इसका परिणाम ही हो गया कि जनता के जो सुविधा है उनके लिए अब यहाँ पे पैसा बाकी नहीं था। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उनको बहुत कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि लगान काफी ज्यादा हो चुका था, और दूसरी बात वहां पे जो उत्पन्न हो चुका था किसान खेती का वो काफी गिर रहा था, और इसके कारण खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। अब ऐसे में किया क्या जा सकता है, खेती में सुधार की काफी आवश्यकता थी। घर की अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की सरकार हो अपने आमदनी सुधारने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा सकता है, किया जाता है। अब यहाँ पे भी वही होने लगा कि कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि खेती ही सबसे महत्वपूर्ण है कि जहां से आमदनी जुटाई जा सकती है। अब इसके लिए कुछ व्यवस्था की गई, उनमें से एक सबसे पहली जो व्यवस्था थी वो थी जमींदारी व्यवस्था, या इसी को हम कह सकते हैं स्थाई बंदोबस्त। यह स्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल इस देश में आ चुका था और उसके द्वारा यह लागू किया था। सन 1773 से लेकर सन 1799 के बीच इसके ऊपर काफी सारी बहस हो चुकी, लगभग 2 दशक तक उसके ऊपर बहस चली, और किस प्रकार से जमीन के ऊपर का महसूल बढ़ाया जा सकता है इसके ऊपर चर्चा की गई, विचार किया गया, और उसके बाद इन विचारों के उपरांत स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों के को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अब यहाँ पे जो स्थानीय राजा थे, तालुकदार थे, उनको अब जमींदार ये एक मान्यता दी गई। ये एक नया पद निर्माण किया गया और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया।
इन जमींदारों को किसान एवं सरकार के बीच मीडिएटर मध्यस्थ का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि अगले 30 साल के लिए उस जो भी राशि थी जमींदार को सरकार के पास जमा करनी थी, वो सब कुछ निर्धारित कर दी थी। यानी उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी होने वाली नहीं थी। अब इसका मतलब यह था कि अंग्रेजों को यह लगता था कि भविष्य में या फिर जिस प्रकार से किसान जमींदारों की आमदनी बढ़ेगी, अब वो उनको जमीन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वो खेती के लिए निवेश करेंगे, और इसके कारण राज्यों की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन में फायदे में रहेंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसमें काफी सारी समस्याएं थी। सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये थी कि स्थायी बंदोबस्त ने पहले से जो कर लगा दिया था, निर्धारित कर दिया था, वही इतना ज्यादा था कि वो खर्चा देने में जमींदार सक्षम नहीं थे। असल में कंपनी ने राजस्व तय किया था वही इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी और काफी सारे जमींदारों की जमींदारी बाकायदा नीलाम तक कर दी थी, क्योंकि उन्होंने जमींदारी के तौर पर जो राजस्व जमा करना था सरकार में, वो उतना नहीं कर पाते। अब अगले कुछ सालों के बाद जब परिस्थिति सुधर गई, क्योंकि इसमें जमींदारों को सरकार में जो टैक्स लगाना जमा करना था वो निर्धारित था, जमींदार किसान से कितना लेंगे ये निर्धारित नहीं था। अगले कुछ सालों के भीतर परिस्थिति बदल गई। धीरे धीरे वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगी और उसके कारण टैक्स में अब बढ़ोतरी हो गई, लेकिन जमींदारों की आमदनी में तो सुधार हो गया लेकिन कंपनी की नहीं, क्योंकि कंपनी में जितना भी राजस्व देना था वो निर्धारित कर चुके थे, उतना ही राजस्व वहां पे देना था। और इसके कारण राजस्व में वृद्धि अब सरकार नहीं कर सकती थी, कंपनी नहीं कर सकती थी। अब ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए? स्थायी बंदोबस्त की जो कुछ प्रमुख विशेषता है वो इस प्रकार से, उसी का दूसरा नाम है जमींदारी व्यवस्था। इसकी शुरुआत की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, आज के बंगाल में इसकी शुरुआत की थी और ये योजना लागू की थी सन 1793 में। करों का निर्धारण 30 साल के लिए किया गया था और जमींदारों से ये अपेक्षा की गई थी कि वो खेती में निवेश करें जो ज्यादा। अब जब जमींदारी व्यवस्था विफल रही तो उस वक्त और एक नई व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। 19वीं सदी में बहुत शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारी को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि उसमें इजाफा नहीं हो रहा था। जब कंपनी को शासन और व्यापार अपने खर्च चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो, तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके आप कैसे चला सकते थे, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि काम उतना ही राजस्व मिलता रहेगा तो सरकार कैसे चलेगा, और वहां पे तो खर्च बढ़ने वाले थे, बढ़ रहे थे। और इसके कारण बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश का ज्यादातर भाग है, वहां पे हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, वहां पे उसने एक व्यवस्था तय कर दी जिसको 1822 में लागू किया गया था। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टर ने गांव गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेती को मापा, विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया और गांव को एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह, ग्राम समूह, महल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दे दिया गया।
महलवारी बंदोबस्त या महलवारी व्यवस्था, इसका मतलब कि एक गांव तैयार किया गया, हर एक खेती का निरीक्षण करके सर्वेक्षण करते उस गांव से, उस खेती से कितनी आमदनी हो सकती है उसका निरीक्षण करके उस महल के ऊपर या गांव समूह के ऊपर कर का निर्धारित कर दिया और साथ ही साथ उसमें बढ़ोतरी का प्रावधान भी वहां पर रखा गया। ये महलवारी व्यवस्था क्या है, होल्ट मैकेंजी द्वारा इसको लागू किया गया था सन 1822 में, उसको उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त में नहीं था लेकिन इसमें करों में बढ़ोतरी का प्रावधान यहाँ पे था। स्थायी बंदोबस्त में करों का प्रावधान नहीं था, करों में बढ़ाने का प्रावधान नहीं था, वहां पे 30 साल के लिए कर अनुबंधित हो जाते थे, लेकिन महलवारी व्यवस्था में कर बढ़ाने का यहाँ पे इंतजाम था या व्यवस्था थी। अब इसके साथ साथ और एक व्यवस्था दक्षिण भारत में शुरुआत की थी, इसको कहा जाता है मुंद्रो व्यवस्था या रैयत वाली व्यवस्था। मद्रास प्रांत जो था, मद्रास प्रांत के थॉमस मुंद्रो गवर्नर जनरल थे और उनके एक सहकारी थे थॉमस सईद, उनके द्वारा आज के मैसूर प्रांत में या उस तत्कालीन मैसूर प्रांत में, आज के कर्नाटक में, इसको लागू किया गया था और सीधे किसानों से कर वसूलने का इसमें प्रावधान था। तो मुंद्रो व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है, इसकी शुरुआत थॉमस मुंद्रो एवं थॉमस सईद इनके द्वारा मैसूर प्रांत में इसको लागू किया गया था और सीधे किसानों से कर वसूली का अधिकार यहाँ पे उनको मिल चुका था। महल वाली व्यवस्था, रैयत वाली व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था, ये तीनों आपस में प्रश्न पूछे जाने वाले या आपस में तुलनात्मक यहाँ पे पूछा जा सकता है कि महल वाली व्यवस्था और रैयत वाली व्यवस्था में अंतर क्या है, जमींदारी व्यवस्था और महल वाली व्यवस्था में अंतर क्या है, जमींदारी और रैयत वाली में क्या है, तो इसको एक बार समझ लीजिए और इस प्रश्न को लिखना है। अभी हम अगले वीडियो में दूसरा भाग देखेंगे यूरोप के लिए फसलें।